सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्ति, पर्यावरण व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर नीमच से मंदसौर तक निकाली जागरूकता साइकिल रैली। 5 मध्य प्रदेश कंपनी NCC नीमच के अधिकारी जितेंद्र कनौजिया, यूनिट से कमान अधिकारी कर्नल रिजवान खान ने नीमच से मंदसौर तक निकलने वाली साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें नीमच जिले के कैडेट्स शामिल हुए। नीमच बाईपास से नायब सूबेदार जयराम साहब, CHM राजेंद्र सिंह, कैडेट सूरज माली, रोहित माली, माधो माली ने पायलटिंग के साथ व ट्रूप कमांडर जितेंद्र कनौजिया ने मंदसौर तक साइकिलिंग के साथ इस रैली को पूरा किया। मल्हारगढ़ CM राइज स्कूल प्राचार्य मनीष गौड़ व विद्यालय के छात्र छात्राओं NCC कैडेट्स ने स्वागत किया। सभी छात्रों के समक्ष कनौजिया ने अनुभव साझा किए। वहां से वापस मंदसौर की ओर रवाना हुए, जहां बाईपास से 20 NCC कैडेट्स ने साइकिलिंग ज्वाइन की और गांधी चौराहा पहुंचे, जहां स्वागत के लिए पूर्व न्यायाधीश रघुवीर सिंह चुंडावत, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रमांक 2 विद्यालय प्राचार्य धर्मपाल सिंह देवड़ा, लोह कॉलेज ट्रस्टी डॉक्टर क्षितिज पुरोहित, जिला माउंटेनियरिंग संगठन संरक्षक, जिला माउंटेनियरिंग संगठन कार्यकारी अध्यक्ष विजय सिंह पुरावत, उपाध्यक्ष विश्व मोहन अग्रवाल, उपाध्यक्ष सचिन जैन, उपाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, सदस्य ललित कुमार परमार, समाजसेवी गांधी चौराहा पहुंचे, जहां पूर्व न्यायाधीश व अन्य अतिथियों ने कनौजिया का पुष्पहार और पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर पुरावत ने बताया कि जितेंद्र कनौजिया को कर्नल रिजवान खान एक साइकिल एक्सपीडिशन हेतु आज साइकिलिंग को हरी झंडी देकर शुरुआत की। यह एक्सपीडिशन फरवरी 2024 में लेह लद्दाख से कन्याकुमारी तक किया जाएगा। इसकी लगभग दूरी 4000 किलोमीटर की होगी। ट्रूप कमांडर कनौजिया ने कहा कि मेरे गुरु व एक दोस्त ने कहा है कि किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है, जब अगर मंजिल का लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए और उसके पीछे पड़ जाए। संचालन विजय सिंह परावत ने किया, आभार विश्व मोहन अग्रवाल ने माना। ये साइकिल रैली जो मैंने निकाली है आज 5MP इंडिपेंडेंट कंपनी NCC के कमान अधिकारी कर्नल रिजवान खान साहब द्वारा आज मुझे उस एक्सपीडिशन के लिए रवाना किया हरी झंडी दिखाकर, जो मैं आगामी फरवरी 2024 में करने वाला हूँ। लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक इस एक्सपीडिशन को करूँगा, जो देश की प्राकृतिक धरोहर, देश की सांस्कृतिक, जल बचाओ वृक्ष लगाओ अभियान को लेकर के मैं 5 उद्देश्यों को लेकर के यह रैली लेह लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक करूँगा, जिसमें कई स्टेटों से होके गुजरूँगा, जहाँ पे सभी राज्यों के द्वारा मेरा सहयोग प्रदान होगा, उनका सहयोग से मैं इस रैली को पूरा करूँगा और DGNCC के माध्यम से यह सेंक्शन आगामी माह में मुझे मिलेगा, जिसके लिए मैं प्रतिदिन 60 किलोमीटर की साइकिल एक्सपीडिशन आज से मैंने स्टार्ट करी है और मैं आगे कंटिन्यू करके और मेरे द्वारा जो एक्सपीडिशन किया जाएगा उस उद्देश्य को पूरा करूँगा। और उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको लक्ष्य को निर्धारित करना होता है, जो अगर एक बार अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है तो इस लक्ष्य को मैं पूरा करके रहूँगा और मंदसौर प्रदेश का, देश का नाम रोशन करूँगा। और जिस प्रकार आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे बाईपास से मेरे साथी लोगों ने रिसीव किया है और मीडिया, मैं नीमच से निकला था सुबह 11 बजे और मल्हारगढ़ में एक्सीलेंस स्कूल में स्वागत किया, उन बच्चों को संबोधित किया और अभी यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, जहाँ पे मेरे सभी साथी लोग, मीडिया प्रभारी लोग और सभी लोग मुझे स्वागत के लिए, सम्मान के लिए यहाँ पधारे। सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ।